नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु, और इस वक्त की बड़ी खबर चिन्नौर से सामने आ रही है। चिन्नौर थाना क्षेत्र के भोरे की पुलिया चिन्नौर से खबर है, जहां बताया जा रहा है कुछ लोगों ने घर के बाहर से 10 भेड़ 10 बकरियां चोरी कर ले गए। आपको बता दें, पूरा मामला सोनपाल पुत्र बलराम बघेल के घर का है, जहां उनके घर के बाहर 10 भेड़ 10 बकरियां बंधी हुई थी। बलराम बघेल पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा चोर सुमेरा बंजारा और मौकम बंजारा की तलाश शुरू की गई। किसी तरह से मौकम बंजारा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वहीं सुमेरा बंजारा की तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ग्वालियर आईजी श्रीनिवास वर्मा और ग्वालियर एसपी अमित संघी ने भारत न्यूज टीवी के वरिष्ठ पत्रकार नीलम माही से बातचीत के बाद आश्वासन दिया है कि जल्द ही चोरों पर कठिन कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की। ग्वालियर जिले में दिन प्रतिदिन चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें चिन्नौर थाना क्षेत्र की, तो चिन्नौर थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं दिन दहाड़े अपना हाथ साफ कर जाते हैं। अगर मैं बात करूं चिन्नौर गांव की, जो कि चिन्नौर गाँव से 2 किलोमीटर की दूरी पर भोरी की पुलिया के पास में निज निवास सोनपाल बघेल जी के घर पर रात्रि के समय चोरों ने लगभग 20 बकरियां चोरी कर ली हैं। कहीं ना कहीं ऐसे कारनामे चल रहे हैं, जहां चोरों के हौसले बुलंद दिन प्रतिदिन बढ़ते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जब चिन्नौर थाना क्षेत्र में ही चिन्नौर गांव में ही जो कि थाना पदस्थ है और पूरा पुलिस प्रशासन भी वहाँ पदस्थ है, जबकि रात्रि में गश्त ड्यूटी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पुलिस के द्वारा कोई कड़े पुख्ता इंतजाम नहीं है, जिस कारण चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आखिरकार हम देखते हैं इस खबर के चलने के बाद पुलिस प्रशासन कितनी हरकत में आता है और इस चोरी का खुलासा कब तक हो पाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? सोनपाल। सोनपाल जी, कहाँ के रहने वाले हो? चिन्नौर। ये बकरियों का और भेड़ों का जो मामला सामने आया है कि 20 बकरियाँ चोरी हो गई हैं आपकी, क्या है पूरा मामला? हाँ सर, ऐसा है कि मैं भेड़ बकरियों के लिए जगह करने के लिए गया था। कहाँ पर गए हुए थे? मैं गया था बरके गांव जी। मैं पहले सुंदरा के पास गया, मेरे पैसे आ रहे थे, उसमें पैसे मांगने के लिए गया, सो सुंदरा ने मुझे बैठा के पैसे दे दिए थे। फिर मैंने पूछा, मुझे पूछा दादा कहाँ जा रहे हैं तुम नई कपड़ा पहन के। मैंने उसको जी कहा कि भाई मैं बरके गांव में अपनी भेड़ों की जगह कर भी ले जा रहा हूँ। जाके बाद में उनमें आपस में थोड़ा जे चिन्नौर गांव में हम भी जा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ये कहा? हाँ, हम भी जा रहे हैं। और उनकी जहाँ मीटिंग बनी थी, कहाँ पर मीटिंग हुई थी? मौकम के पास में। अच्छा, मौकम बंजारी के पास में। तो मौकम बंजारी की जहाँ मीटिंग बनी थी, उसी रात मैं रुक गया, उसी रात जो चोरी आ गई है 30 तारीख के जैसे 3 बजे के और रात्रि में। हाँ, रात्रि में 2-3 बजे के बीच में। अच्छा, क्या आप इन लोगों पर शक है, इन्हीं लोगों ने चोरी की है या किसी और ने की? नहीं सर, मुझे इनको पूरी शक जिन पे आई हुई थी। अच्छा, किन किन लोगों के सामने नाम आए, कौन कौन लोग थे? एक मौकम और सुंदरा, मैंने इनको बुलवाया भी था। ये लोग मतलब वहाँ आ नहीं रहे थे, इसलिए मैंने नाम दर्ज रिपोर्ट कर दी। अच्छा, आपको पूरा शक है कि ये नहीं लोगों ने बकरियां चोरी की? जी, फिर अब नहीं आ रहे तो मेरा पूरा शक है। और अपने प्रशासन से यही कह रहे हैं, अपनी अफसर से पूरी कार्रवाई की जाए। अच्छा अच्छा, ठीक है। पुलिस ने अभी क्या कोई एक दो चोर पकड़े हैं या नहीं? हाँ, 2 लोग पकड़ लिए हैं जी। 2 लोग पकड़ लिए? पकड़ लिए। अच्छा, क्या क्या नाम है? आप तो गए होंगे थाने में। हाँ, गया था मैं। कौन? सुंदर सिंह है और वो बंजारा। सुंदर सिंह बंजारा और मौकम सिंह बंजारा। जी, कहाँ के रहने वाले हैं लोग? एक चिन्नौर गांव का रहने वाला है, एक कंचनपुरा है, एक बाकी बगल में हुकमगढ़ के बगल। अच्छा, 3 लोग हैं जी? 2 लोग हैं, 2 लोग। अच्छा, चिन्नौर का रहने वाला, एक हुकमगढ़ का रहने वाला। अच्छा, अब आगे पुलिस क्या कह रही है, क्या कुछ मामला रहेगा, आगे कार्रवाई करने की आश्वासन दिया है या नहीं, क्या कुछ कहा है?